मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। कितना सुंदर बात कही है महाराज, तुलसी के क्यारे में, पद्म पुराण, तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है उसका भी दोष वर्णन है महाराज, उसका भी दोष हमारे शास्त्र में वर्णित किया गया। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले, दो चार आठ बूंद पानी गिरे चल जाएगा, तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा, पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है वो दोषपूर्ण है मारा, उसकी दोष का। वो दोष दे दिया तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कह रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी संपदा प्रतिष्ठा यश आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। तीसरा क्रम कहा, घर में चाहे नल लगा हो चाहे आरओ का प्लांट लगा हो, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा हो, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका नहीं तो हंडा नहीं तो बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोलकर फिर वापिस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है, प्रतिदिन जितना जल उस पात्र में रहता है भरता है, ऐसे ही घर में संपदा भर। तीन क्रम, चौथा नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद। महादेव, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करिएगा। काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरम्भेश्वर महा, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शरम्भेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके, पहले की कथा में इसका वर्णन किया है बेलपत्र। श्रम्भेश्वर महा, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव, फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महा। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी, श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए, कहीं नहीं जाना,
तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में उसी मंदिर में जाओ, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा त्र्यंबकेश्वर महादेव का कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा, जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई। जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा होगा वो इतना ध्यान नहीं आना, तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं। तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आने। त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो वर्णन है, त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो गुणगान है, यह कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल त्र्यंबकेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए, ऐसा त्र्यंबकेश्वर महादेव का गुण। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ उसके लिए एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? त्र्यंबकेश्वर महादेव। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने विदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था, वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहां कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया, या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ला। दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझ कर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं, और त्र्यंबकेश्वर महादेव बोलो बोलो जरा जन के व्यसन की समाप्ति के होते हैं। शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल पांच, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता। आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा हो, कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है, सूर्य का भाग वहां से चालू हो। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं मक्खन का लेपन कर, काय का लेपन करना है? माखन का। माखन का लेपन कर दो और पांचों देवताओं के सामने चौमुखी पांच दिए लगा, चार बत्ती के घी के, काय के घी के, एक एक देवता के